द्विवेदी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। दरअसल ये लोग हम सभी जानते हैं कि सेल्स जो होती हैं वो लगातार जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह की शेप रखती हैं। उसकी सिंपली वजह क्या होती है? सिंपली वजह ये होती है कि जो सेल्स होती हैं उन्हें अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं। अब देखिए, आपकी आंखें हैं तो आपकी आंखों को अलग तरह का कार्य करना पड़ता है, अलग तरह के फंक्शंस करने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि पेटों की सेल की बात करें, जो हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जो सेल हैं, तो वो अलग तरह के फंक्शंस करती हैं। हमारे हाथों की जो सेल हैं वो अलग तरह के फंक्शंस करती हैं। तो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग सेलों के शेप एंड साइज भी चेंज हो जाती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इन सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल होती है वो सिर्फ सिंगल सेल वाले होते हैं, तो उनकी सेल की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शन एक साथ एक ही सेल को करने पड़ते हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस करने के लिए अलग अलग तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब ये हो जाता है अलग तरह की खास सेल्स हैं, लेकिन हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर, हमारे मैंने बोल दिया सॉरी इसके लिए, लेकिन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर एक ही सेल होती है। एक ही सेल होने की वजह से उसे सारे काम करने पड़ते हैं। एक्सक्रीशन उसे भी करना पड़ता है, उसे ही डाइजेशन करना पड़ता है, उसे ही लोकोमोशन करना पड़ता है, और इन सब चीज़ों के लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग सेल होती है। तो इसी वजह से सेल की शेप एंड साइज होती है बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। तो फिलहाल हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स उसके बारे में, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है शेप एंड साइज ऑफ द सेल, जो कि आप लोगों को पढ़ना है, टॉपिक है, टाइटल है। तो डू ऑल सेल लुक अलाइक इन द टर्म ऑफ द शेप एंड द साइज? तो एक तरीके से हमारे मन में क्वेश्चन ही उठता है कि क्या मतलब जो सेलें जो होती है माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, जिन लोगों ने नहीं देखी तो उनके मन में अक्सर करके क्वेश्चन उठता होगा, क्या सारी की सारी जो सेल होती है शेप एंड साइज में अलग होती है या समान होती है? दूसरा, डू दे हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या उनकी समान स्ट्रक्चर होती है? तो दरअसल जिन लोगों ने सेल को माइक्रोस्कोप से देखा, अलग अलग तरह की सेल्स को देखा, उनको ये पता होता है कि सेलें अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन जिन लोगों ने माइक्रोस्कोप से सेलों को नहीं देखा है तो उन्हें नहीं पता है कि सच में सेलें जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो समझो जरा, हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या सेलों की स्ट्रक्चर्स कैसे क्या होती है। पहले हम देखते हैं वेरिएशन इन द डिफरेंट सेल्स। जो वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। तो वेरिएशन इन द डिफरेंट सेल्स इज मेनली मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। उसकी वजह क्या है? उनके स्पेसिफिक होता है खास या विशेष फंक्शन होता है कार्य। जो सेलों की अलग अलग सेलों में जो बदलाव है, सेलों की स्ट्रक्चर में जो बदलाव है, उसकी मुख्य वजह क्या है? उनके अलग अलग तरह के फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है कुछ, अगर मैं बात करूँगा नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल कन्वे द इम्पल्सिस फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। ये इनका काम क्या होता है नर्व सेल्स का? इम्पल्सिस को, जो इम्पल्सिस के द्वारा मैसेज होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम करती हैं। वाइल स्पाइन सेल्स जो होती हैं तुम्हारी, वाइल द स्किन सेल जो होती हैं सर्व टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ये दरअसल हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। वाइल स्किन सेल्स सर्व टू प्रोटेक्ट द बॉडी, स्किन सेल्स हमारी बॉडी की सुरक्षा करती हैं। WBC ऑफ द मैन किल द पैथोजेंस। WBC जो होती हैं, WBC होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनका मुख्य कारण होता है जो बाहर से आ रहे बैक्टीरिया पैथोजेंस हैं उनको किल कर देना। दरअसल क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर स्वस्थ रहती है बीमारियों से तो इन्हीं WBC की वजह से रहती है। जिस ह्यूमन के अंदर WBC सेल्स की कमी हो जाती है तो उनका इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक, और फिर वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। आपको एक टिप देते हैं, अगर आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना चाहते हैं तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप हल्दी जो होता है, हल्दी अच्छा हल्दी पाउडर होना चाहिए, मार्केट से लाई हुई हल्दी नहीं, जो वैसे सजी वाली हल्दी आती है तो उसको पीस करके पाउडर बनाया गया हो, तो उसके पाउडर को अगर दूध, गर्म दूध में, गुनगुने दूध में डाल के पियो तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम सही रहता है। दूसरा एक आता है अश्वगंधा पाउडर, उसको लेकर के भी आप जो है यूज कर सकते हो, शाम को दूध के साथ ले सकते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम सही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, तो मैं आगे भी इस तरह के पढ़ाने के साथ आपको हेल्दी संबंधी जो है टिप्स बताता रहूंगा। फिलहाल आप अपनी स्टडी पे फोकस रखिए। तो अब हम देखते हैं इट चेंज द शेप रेगुलरली, और ये क्या होता है?
इट चेंज इट सेप रेगुलरली, इससे क्या है कि अपनी सेप लगातार बदलता रहता है डब्ल्यूबीसी, सिंस दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस करती हैं, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसीलिए इनकी अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसकी वजह क्या है। तो सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह है उनकी अलग अलग तरह की शेप्स का होना।